हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर मॉडल पेपर, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। तो इसलिए हम डेली 10 से 15 प्रश्न डिस्कस करते हैं, ताकि एक दिन में आपका सभी सब्जेक्ट का 10 से 15 प्रश्न तैयार हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और ये कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, इसमें से हम 15 मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि सर्वर का क्या अर्थ है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि पीडीएफ दूंगी तो उसमें केवल प्रश्न रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने आंसर भी लिख दिया है। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि सर्वर का क्या अर्थ है। तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर व प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है, उसे सर्वर कहते हैं। बहुत ही आईएमपी ये प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वर क्या है। तो सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। केवल और केवल आप एक लाइन याद करो, किसी अन्य कंप्यूटर को सेवा प्रदान करता है या प्रोग्राम प्रदान करता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ब्राउजर किसे कहते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आईएमपी है, ब्राउजर किसे कहते हैं। तो ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर मतलब कि उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। अभी हमने पढ़ा कि सर्वर क्या है, तो सर्वर का डिफिनीशन ये था कि कंप्यूटर या प्रोग्राम जो किसी अन्य कंप्यूटर को सेवा या प्रोग्राम प्रदान करता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। और यहाँ ये पूछ रहा है कि ब्राउजर किसे कहते हो। तो ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। टू पॉइंट कि यूजर एवं सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे हम ब्राउजर कहते हैं। अगला आपका देखिए, ये भी बहुत ही आईएमपी, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। तो वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि हम कुछ भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। अब जब प्रोसेसिंग के दौरान कंट्रोल यूनिट देखरेख करता है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, तो जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है, तो उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि मॉडेम क्या है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, आई थिंक ये आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। मॉडेम क्या है। यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन, आपको मैं बता दूं, इंटरनेट मॉडेम के माध्यम से ही चलता है, ठीक है। यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये आपका मॉडेम की परिभाषा हो जाएगी कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला यह ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डाटा का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला आपका देखिए प्रश्न है, बहुत आईएमपी, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था। तो विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन तो जो था वो था विंडोज 3.1। अगला आपका प्रश्न है कि माई नेटवर्क पैलेस क्या है। तो देखिए माई नेटवर्क पैलेस जो होता है, इसके द्वारा हम फोल्डर और फाइल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें हम देख सकते हैं, उसे हम माई नेटवर्क पैलेस कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल क्या है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न आपका है कि ईमेल क्या है। तो देखिए ईमेल, आपको पता है कि पहले क्या था कि कुछ जब ईमेल मतलब नहीं था तो हम मेल कैसे भेजते थे, डॉक के द्वारा। लेकिन ई जुड़ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, तो बस सिंपल आप याद कर लीजिए कि डॉक का जो डॉक होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर
में जो आज हस्तांतरित करते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सीपीयू क्या है, व्हाट इज दिस सी। तो जैसे कि अगला आपका प्रश्न है कि सीपीयू क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। और सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं, जो आपका कंट्रोल यूनिट हो जाता है, एलयू हो जाता है और एमयू हो जाता है। तो ये आपके सीपीयू के तीन भाग होते हैं जो कि बहुत ही आईएमपी होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा सीपीयू क्या है। तो सीपीयू अभी हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखिए सीपीयू क्या है, यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बार बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं। अगला देखिए ईमेल अकाउंट क्या है, अभी मैंने बताया ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए ईमेल अकाउंट क्या है, तो ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा वेबसाइट का नाम जिस पर अकाउंट खोला गया होता है उसे ईमेल अकाउंट कहते हैं। आपने भी अगर अगर आपने ईमेल बनाया होगा तो सबसे पहले आपने ईमेल अकाउंट बनाया होगा, और आपको पता होगा कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल जिस तरीके से आपने बताया है वही आप लिख दोगे तो आपका कंफर्म है कि गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है और याद है तो आप लिख दो कि ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान, ठीक है, वेबसाइट का नाम जिस पर अकाउंट खोला गया होता है उसे ईमेल अकाउंट कहते हैं। तो ये आपकी ईमेल अकाउंट की परिभाषा हो जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यह हमने बहुत बार प्रश्न डिस्कस किया है, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यू से हो जाता है यूनिफॉर्म, आर से हो जाता है रिसोर्स और एल से हो जाता है लोकेटर। तो ये आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला आपका प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है, वेरी आईएमपी प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है, ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। तो मिनी कंप्यूटर में रैम की जो क्षमता होती है 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है, ठीक है, 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है मिनी कंप्यूटर में। अगला आपका प्रश्न है वो बहुत ही आईएमपी है कि इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट क्या है। तो यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है, तो यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। अगला आपका प्रश्न है कि होम पेज क्या है, वेरी आईएमपी प्रश्न है कि होम पेज क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। जैसे कि आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया और जो सबसे पहला आपका पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम क्या बोलते हैं, होम पेज कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। मैंने अभी बताया कि ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला 15 नंबर आपका प्रश्न है कि माउस में कितने बटन होते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से तैयारी करो, जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और डेली रिवाइज करिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। और अगर आप पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो तो ये सबसे बड़ी आपकी लापरवाही है। तो आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए,
ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।